हमारा बेस्ट सेलिंग कोरियन बाइट्स, कोरियन रिंगर एंड कोरियन रिंग्स है। अच्छा, कोरियन है आपके पास? जी जी जी, फुल रश चल रहा है यहाँ पे। ब्रॉथ के साथ नूडल्स और ये सारी, ब्रॉथ के साथ नूडल्स होते हैं, सॉसेजेस होते हैं, उसमें कॉर्न्स होते हैं, बॉक्सर लीफ होते हैं, ग्रीन अनियंस होते हैं। सबसे ज्यादा रनिंग आइटम हमारा वही है। अच्छा भाई, फुल हैपनिंग सीन चल रहा है, फुल हैपनिंग सीन चल रहा है। छोटा सा किचन है और टाइम नहीं है यहाँ पे किसी के पास जो है ना। हम पाव भाजी खालसे हैं, दम कीमा बंद कबाब और फ्राई कबाब है। दम कीमा जी सर, दम कीमा आपको ले जाएगा अम्मी अबू या दादी नानी की तरफ। अच्छा, खाउसे भी आप ट्राई करें? खाउसे भी करें। ये होती है असल तंदूरी चाय। अस्सलाम भाई, मैं उजिया तबारक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरफाबाद की राउंड अबाउट पे। बादराबाद चार मीनार चौरंगी से जब आप आगे आते हैं तो ये राउंड अबाउट आता है और यहाँ पे ये पूरी बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। लेकिन इस बड़ी सी फूड स्ट्रीट में एक छोटा सा एक कॉर्नर बन गया है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं कलरफुल से रंग बिरंगे, और यहाँ पे आपको इंडियन स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा और कोरियन स्ट्रीट फूड भी मिलेगा। तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने इस जगह पर पहले ट्राई नहीं किए चीज़ें, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और आपके साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं। तो फिर चले, ये देखें भाई, यहाँ पे ये वॉफल्स हैं, ये विंग्स ऑन व्हील्स यहाँ पे बना हुआ है, ये MRS है, यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह मिल रहे हैं, ये सिप एंड फ्राई है, आगे भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या क्या सीन बना हुआ है? ये रश वश लगा हुआ है सब जगह? सर बस यहाँ पे खाने का एक माहौल बना हुआ है अच्छा सा, लोग आते हैं खाने के पास। क्या है सर? बर्गर्स हैं, इटालियन है, चाइनीज है, हमारा बेस्ट सेलिंग कोरियन बाइट्स, कोरियन रिंगर एंड कोरियन रिंग्स है। अच्छा, मेनली कोरियन है आपके पास? जी जी जी, कोरियन बहुत लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। okay. हम वो लोगों को मतलब और अच्छा टेस्ट देने के लिए बहुत एक डिफरेंट हमने वैरायटी रखी हुई है अपने मेन्यू में। चाइनीज भी है, इटालियन भी है, बर्गर्स भी हैं, जिंगर भी है, कोरियन का है इसमें? सर ये रहा कोरियन बाइट्स। अच्छा, ये कोरियन बाइट्स। कोरियन बाइट्स में क्या होता है? सर कोरियन बाइट में 10 पीस चिकन होते हैं, उसमें हम कोरियन सॉस में डिप करते हैं उसको, जिसका टेस्ट टैंगी एंड स्पाइसी होता है। अच्छा, ओके, तो रिकमेंडेड क्या है इतनी सारी चीज़ों में? काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी है। जी जी, थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। जी जी सर, मैं आपको कोरियन बाइट्स ट्राई करवाता हूँ, ज़रूर आपको पसंद। कोरियन बाइट्स चले भाई, कोरियन बाइट्स है 500 की 10 पीसेस। जी जी, ओके। ये आ गई भाई कोरियन बाइट्स, बहुत गरम गरम है, ये भी सेसमी सीड्स की इसके ऊपर टॉपिंग की गई है। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आया तो काफ़ी क्रिस्पी है भाई चिकन। सॉस जो है ना वो हल्का सा स्पाइसी भी है, थोड़ा सा स्वीट भी है, टैंगी भी है। जो एक्चुअल कोरियन सॉस होता है बारबेक्यू सॉस, वो काफ़ी स्पाइसी भी होता है, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा अपने टच के साथ बनाया हुआ है। अच्छा है, मज़ेदार है, 500 की चिकन है ये बोनलेस, और मेरे ख्याल में एक आप सर्विंग खाएंगे तो पेट भर जाएगा। वेरी नाइस, आगे चलते हैं। लाल भाई ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बराबर में भाई एक और स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या सीन है ये चेक करते हैं। रश चल रहा है भाई यहाँ पे, फुल रश चल रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त। क्या भाई ये माशाल्लाह बड़ा रश वश चल रहा है। यस सर, आज बारिश भी हुई इस वजह से थोड़ा सा लोग और ज़्यादा रश बढ़ गया, बढ़ गया। ऑर्डर माशाल्लाह अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, क्या आपके पास स्पेशलिटी क्या है आपकी? हमारी स्पेशलिटी है, हमारे पास ऑथेंटिक चिकन डंपलिंग्स मिलते हैं विद चिली ऑयल एंड फ्राइड गोजा मिलते हैं, जो डंपलिंग स्टीम होने के बाद। अभी हमने पीछे कोरियन बाइट्स खाई हैं, तो आप ये भी कोरियन आइटम्स हैं सारे? सर सारे हमारे पास कोरियन आइटम्स नहीं है, कुछ कुछ है बट डिफरेंट्स है। हम लोग के पास डंपलिंग्स हैं, हॉटपॉट बाउल है, जो आजकल मेन ट्रेंड पे चल रहा है, आप बैठ के रेडी करते हैं, रेडी करके देते हैं आपको। अच्छा, विच इज़ मोस्ट रनिंग आइटम हमारा। ये देखें भाई, इनके मेन्यू के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और छोटी सी जगह पे जो है ना ये सब लोग काफ़ी सारे आइटम्स बना बना के सेल कर रहे हैं। बराबर में भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या टेस्ट करें, यहाँ पे हम जो है ना ये नंबिंग नूडल्स ये टेस्ट करते हैं इनके। 880 की प्राइस है इसकी, दो लोगों के लिए काफ़ी है। ये देखें भाई, ये नंबिंग नूडल्स जो है ना ये हाफ रेडी होके रखे हुए हैं, क्योंकि ऑर्डर्स आते जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ऑलरेडी, इसके अंदर डंपलिंग्स भी हैं, चिकन भी है, नूडल्स तो हैं ही, और ये क्या ब्रॉथ है ये?
नमिंग है टेस्ट है और मसाला जात है इसके अंदर। अच्छा जी, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, एक बॉयल आएगा इसके ऊपर और ये हमारा ब्रोड रेडी हो जाएगा। सारा गेम इसी का है, सारा गेम इसी का, जो टेस्ट होता है ना वो इस चीज का है। सारे पैसे इस चीज के, सारे पैसे इस चीज के हैं। ये कोरियन फुल कोरियन स्टाइल के नूडल्स चल रहे हैं, बहुत हैपनिंग चल रही है भाई यहाँ पे जो है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे रश चल रहा है। ये देखें आप, ये चीज लिया बेटा जल्दी से, मैं गिरोजा बनाऊं भाई। फुल हैपनिंग सीन चल रहा है, फुल हैपनिंग सीन चल रहा है। छोटा सा किचन है और टाइम नहीं है यहाँ पे किसी के पास जो है ना। लेकिन आप ये नूडल्स तैयार होते जा रहे हैं, नूडल्स पे नूडल्स तैयार हो रहे हैं। हॉट सेलिंग आइटम है ये, हॉट सेलिंग आइटम। ये हमारा अभी ऑयल गरम हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर अपने शेजवान सॉस डालेंगे। ये देखिए हमारा जो है फ्राइड हो रहा है। पहले डंपलिंग बनाई थी, फिर इनको सॉस के अंदर जो है वो आपने फ्राई कर दिया। फ्राई कर दिया एक बॉक्स में जाते हैं 60। तो फिर चले चले। ये है भाई स्टीमी बाइट्स, और स्टीमी बाइट्स पे आ गया ये हमारा हॉटपॉट बाउल, नमिंग नूडल्स, नमिंग नूडल्स आ गए। और ये आ गए हमारे योजा चिकन योजा। यार ये देखें मेन चीज़ जो है ना इसके अंदर, ये ब्रॉथ है इसके अंदर, फिर नूडल्स हैं, फिर ये सॉसेजेस हैं, मशरूम्स हैं, ये जो बॉक्चोय लीव होता है ये है, डम्पलिंग्स भी इसके अंदर हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। और दो लोगों के लिए बोल जो है ना वो काफ़ी है, 880 इसकी प्राइस है। टेस्ट करते हैं भाई हम। वाह यार ये जो ब्रॉथ के अंदर इनके ऑयल है ना बड़ा ज़बरदस्त। सब में जो कोरियन नूडल्स है ना इसके अंदर जो ब्रॉथ वगैरह होता है ये थोड़ा स्पाइसी होता है, और हमारे लोगों को जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी थोड़ी सी इस तरह के फ्लेवर्स पसंद है, इस वजह से मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रश में नज़र आ रहा है। मैं जो वो कोरियन स्ट्रीट फूड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किए हैं तो मैं इसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने अभी खाया है तो मुझको बड़ा अच्छा लगा भाई। कभी कोरिया जाएंगे या इंशाल्लाह दुबई वगैरह में कहीं ऑथेंटिक और कोरियन स्ट्रीट फूड मिलेगी तो उसको भी ट्राई करेंगे, लेकिन भाई ये जो अभी मैंने चीज़ें खाई हैं मज़ेदार हैं, ख़ासतौर पर ये जो नूडल्स हैं वेरी नाइस। ये है भाई योजा, ये डम्पलिंग्स हैं, इनको फ्राई किया है जैसा हमने देखा किचन के अंदर, अब अपने सॉस के अंदर जो है ना इन्होंने इसको फ्राई किया हुआ है। इसके साथ ही एक सॉस और भी होता है, टेस्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह। सॉस में इसको टॉस किया गया है ना, फ्राई किया गया है, वो काफ़ी स्पाइसी है, चिकन बड़ी मज़ेदार है अंदर, लेकिन ये जो सॉस इन्होंने दिया है ये थोड़ा माइल्ड है, तो इसके साथ मिलके बड़ा अच्छा एक फ्लेवर बन रहा है। तो जब भी आप मेरे ख्याल में खाएं तो इस सॉस के साथ डिप करके खाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, वेरी नाइस। डम्पलिंग्स, सॉसेजेस, मशरूम, नूडल्स, ब्रॉथ, ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनाए, लेकिन थोड़ा स्पाइसी, जैसे जैसे आप इसको खाते जाते हैं ना आपको थोड़ा स्पाइस जो है ना वो ज़्यादा फील होता जाता है। अच्छी बात यह है कि कराची में जो है ना आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, और ये जो कोरियन स्ट्रीट फूड है इसकी भी अब काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना वो वैरायटी नज़र आने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि आप नई नई चीज़ें जो है ना वो अपने ही शहर में ट्राई करें और इन्जॉय करें। भाईजान सुभान भाई बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा भाई बराबर में क्या है, अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मुझे कुछ देसी आइटम नजर आ रहे हैं, अभी तो कोरियन ही ट्राई कर रहे थे हम पीछे। कोरिया में देसी खाएंगे। अच्छा, समोसा, पाव भाजी है, खाउसे है, दम कीमा बन कबाब और फ्राई कबाब है। दम कीमा? जी सर। अच्छा, ये कीमे के साथ होता है? जी सर, कीमे के साथ। भाई ये भी एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है, माशाल्लाह। पीछे जाके देखें हम जरा। अच्छा भाई, यहाँ पे देखें आप, ये भी एक अंकल जो है ना खड़े हुए। कैसे अंकल? ठीक है? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अंकल है, मैं भी ठीक हूँ। सुनाए कैसे? जबरदस्त। क्या बना रहे? ये पाव भाजी बन रही है। पाव भाजी बन रही है, पाव भाजी। और वो कीमा कहाँ रखा हुआ है? कीमा ये रखा हुआ है, कीमा फ्रेश करके देते हैं। अच्छा, ये दम कीमा इसमें रखा हुआ है, इसमें फ्राई कबाब भी है, ये हमारी करी है खौसे के लिए, खौसे के लिए। ये हमारा चिकन है खौसे के लिए। ओके, इसमें बीफ है खौसे के लिए। ये हमारी पाव भाजी है, लेकिन अब थोड़ा सा भजा हुआ, थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी रह गई है बस। अच्छा मुनीम भाई, हमें एक दम कीमा और एक पाव भाजी, ये आप कर दें तो अच्छा हो जाएगा। खाउसे भी आप ट्राई करें। खाउसे भी करें? खाउसे भी करें सर। बीफ खाए हैं आप हमारे? अच्छा, बीफ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हमारी चार आइटम है माशाल्लाह, चारों बेहतरीन है, बहुत अच्छे लगे। खाउसे तो आपको ऐसे ठीक है ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो। ऐसे पाव भाजी आपको कराची में ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, गिव और टेक नहीं मिलता। दम कीमा आपको ले जाएगा अम्मी अबू या दादी नानी की तरफ। अच्छा, वो वैसी रेसिपी। ओके ओके, वैसी रेसिपी। जबरदस्त भाई, हम दोनों शेफ कुक भी हैं, घर से बना के यहां ये ला के खाना ना। हम दोनों खुद खाना, हम दोनों खुद भाई हैं क्या? जी, वी आर पार्टनर्स। भाई भी हैं, पार्टनर समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई गुजराती हैं, मैं मेहमान। अच्छा, आप गुजराती? ओके, जब भी आप खाने का कह रहे हैं अहमदाबाद से, अहमदाबाद से, तो आपको जो ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा ना, वो आपको गुजरात का स्टेट। वाह भाई वाह। और इनके खाओ से आपको फुल मेमोरी टच मिलेंगे। ओके, हमारे लिए तो हो रहा है, आपके लिए निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आ गई पाव भाजी। पाव भाजी बहुत ही भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो खाउसे भी तैयार किए गए हैं, कढ़ी इसके अंदर डाली गई, चिकन वाले हमने लिए हैं, स्लिम्स भी हैं, पापड़ी भी है, और मेन चीज़ जो है ना वो इसकी कढ़ी है। ये भी चेक करेंगे, पाव भाजी भी चेक करेंगे, और कीमा भी चेक करेंगे। सर मेन चीज़ है मोहब्बत। आ गई भाई हमारी मुंबई की पाव भाजी और अहमदाबाद गुजरात के खाउसे, क्योंकि ये जो भाई हैं माशाल्लाह, एक गुजराती हैं एक मेहमान है। और पाव भाजी मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ, ये चेक करें आप, बड़ा ही ज़बरदस्त बने। इसको कहते हैं पाव। पाव के साथ ये आ गई भाजी बटर वाली चिल्ला। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। जो भाजी है वो बड़ी मज़ेदार है, जायकेदार है, मसाले हैं उसमें, सात तरह की सब्ज़ियाँ हैं, और घर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं साफ़ सुथरी, हाइजीनिक, उनका टेस्ट अलग ही होता है। वेरी नाइस। पाव भाजी, तेरी भी पाव भाजी थी ना? चटनी भी है, पुदीने की है टिपिकल। तो अच्छा मज़ेदार सीन है, और इसको आराम से जो है ना वो कोई भी खा सकता है, बहुत तेज़ मिर्चें मिर्चें नहीं है इसमें। नहीं नहीं, बेहतरीन बेहतरीन, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। और भाई ये दोनों भाई जो है ना, ये होम शेफ थे, चार साल पहले इन्होंने शुरू किया ऑनलाइन काम, और अब इन्होंने ये सेटअप शुरू किया 10 महीने पहले। और माशाल्लाह जो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो जब इस काम में आते हैं तो फिर हाइजीन भी होती है, सफाई सुथराई भी होती है, और घर के खानों की तो बात ही अलग है। ज़बरदस्त। नवाब किचन में मुनीब भाई ने कहा है भाई कि आप बन कबाब ट्राई करें। अब अच्छा, अब ये बन कबाब नहीं है, ये है बन कीमा। 250 रुपये में ये दो आपको पीस मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुनासिब है, क्योंकि कीमा इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में नज़र आ रहा है। घर में जो दम का कीमा बनता है समझे, ये वही कीमा है। इसको बन के साथ हल्की सी चटनी और क्रंची क्रंची प्याज के टुकड़ों के साथ जब इन्होंने दिया है इस फ्लफी से नरम और मुलायम बन में, तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये आ गए भाई खाउसे। खाउसे इन्होंने कहा था कि सबसे एंड में ट्राई कीजिएगा। खाउसे जो मुझे वैसे भी बड़े पसंद हैं, ये खाउसे कैसे हैं ट्राई करते हैं। कड़ी देखते हैं, कड़ी मज़ेदार है भाई। उसकी वजह ये है कि जो कड़ी है ना वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, जब उसका मज़ा आता है, क्योंकि दही भी डलता है कड़ी के अंदर, और जब तक वो पतली सी होगी अगर तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये भाई
मेमन और गुजराती भाई दोनों माशाल्लाह हैं, तो ऑथेंटिक जो खाउसे का टेस्ट है वो आपको मिल रहा है। ये भी कोई एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं है, बहुत मुनासिब और बहुत ज़ायकेदार। ख़ास तौर पे जो माहौल है स्ट्रीट के ऊपर, फैमिलीज भी बैठी हुई हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। आज बारिश भी हुई थी तो ज़रा ठंडा ठंडा मौसम है, और ऐसे में इस तरह रोड साइड पे बैठ के ये सब मज़ेदार खाने खाने का मज़ा ही अलग है। मुनीब भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई बराबर में एक और ये चाइनीज़ राइस वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे मिल रही है तंदूरी चाय। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से भाई? ये तंदूर के अंदर चाय बन रही है बाकायदा भाई, कोयले के ऊपर जो है ना वो दूध भी है, चाय भी है, और यहाँ पे गैस पे भी बन रही है चाय। ये हाफ डन है सर, इसमें कोयले में हाफ डन है, इसमें फुल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाफ डन होके फिर इधर आती है। अच्छा, कंडेंस बिल भी डालते हैं इसमें। कितने की है एक चाय के सर? कोकोनट 250 की है और तंदूरी चाय जो 200 की। अच्छा अच्छा, ये निकली मटकी गरम गरम, और अब ये जो है ना ये होगी बॉयल। ये चीज ये होती है असल तंदूरी चाय, जबरदस्त हो गया भाई जबरदस्त। इलायची की खुशबू यहाँ तक आ रही है मुझे सर, टेस्ट भी बताएगा पीकर कैसी है। चाय के तो हम शौकीन हैं, और यहाँ पे तंदूरी चाय का कुछ अलग ही सीन नज़र आ रहा है मुझे। कश्मीरी चाय, टर्किश कॉफ़ी, तंदूरी चाय, ये सब है यहाँ। ये बिल्कुल जो आपने हमने खाउसे खाए ना, इसके बराबर में चाइनीज़ और इसके बराबर में ये आ गई भाई हमारी तंदूरी चाय। ज़बरदस्त लग रही है देखने में, खुशबू भी बहुत आला आ रही है। 200 रुपये की ये चाय है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है। एक तो इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जा रहा है, ऊपर से इसमें कंडेंस मिल्क भी डाला जा रहा है, और थोड़ी सी जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसके थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो टेस्ट करते हैं कि ये है कैसी। दम है भाई चाय में, बहुत ज़बरदस्त कड़क चाय। एक तो ऊपर से जो कंडेंस मिल्क इसमें डाला है, तीसरी बात ये कि जब तंदूर के अंदर ये मिट्टी होती है ना, मिट्टी में जब इसको बॉयल करते हैं तो ये मिट्टी की एक खुशबू टेक्सचर इस चाय के अंदर आ जाता है, और इलायची भी इसके अंदर डाली है इन्होंने, जायका लाजवाब है, मज़ेदार है। चाय का जो एक्चुअल कड़कनेस होती है ना, कड़कनेस समझते हैं आप, वो आनी ज़रूरी है। ये नहीं लगे कि खाली तंदूरी है तो भाई दूध दूध का फ्लेवर आ जाए, मीठी मीठी कश्मीरी चाय जैसी हो जाए। चाय चाय लगनी चाहिए, इसीलिए हमने कोकोनट की बजाय ये वाली चाय पी। कोकोनट 250 की है, उसमें थोड़ा तड़का एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इस चाय का जो मज़ा है उसकी तो बात ही और है। तो भाई ये तो हो गई मज़ेदार सी तंदूरी चाय। लेकिन मैं गया था कुछ अर्से पहले कोयटा, और वहाँ पे हमने खट्टी कबाब बना के खाया था पूरा दुम्बा। उसको हमने पहले ख़रीदा मंडी से जाके, वैसे भी मंडी का सीज़न आने वाला है बकरीद का, तो जो खट्टी कबाब है ना वो किस तरह बनता है, ज़मीन में दफन करके मसाला लगा के रस्सियों से उसको बांध के, उसकी वीडियो का लिंक ये आ रहा है यहाँ पे, आप क्लिक कीजिए और देख लीजिए। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपने गाँव में याद रखें। यहाँ कॉर्नर पर आएँ, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं बेसिकली ये, तो इनको सपोर्ट करें, मज़ेदार चीज़ें इन्जॉय करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।